इधर लाइट अच्छा है। अरे बॉडी गार्ड, अरे पीछे से हटो भाई, अरे बॉडी गार्ड पीछे थोड़ा। अर्जुन भाई, अर्जुन भाई राइट में, राइट अर्जुन भाई राइट, दो अर्जुन पाजी थोड़ा इससे आ जाओ मारा, यहां पे अर्जुन भाई आप इधर आ जाओ भाई, बैच कवर हो रहा है। अर्जुन सर आपके लेफ्ट में, अर्जुन सर राइट, अर्जुन भाई अर्जुन भाई अर्जुन भाई इधर पे ना, अर्जुन सर लेफ्ट में सर, ऐसे हां हां अर्जुन भाई लेफ्ट थोड़ा पीछे हो जा रहा है एंड एज वी ऑल नो वी हैव द लीड कास्ट ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड अर्जुन कपूर एंड श्रद्धा कपूर, लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम देम ऑन स्टेज। वेलकम वेलकम श्रद्धा, प्लीज टेक योर सीट। वेलकम अर्जुन। पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी, वेरी 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 सॉरी सबको, मेरी वजह से आज देर हो गई। एक्चुअली मैं एक डब में थोड़ा वक्त लग गया था, सो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू, सेम सेम टू सेम, पर मेरी कोई डबिंग नहीं थी, पर मैं श्रद्धा के साथ आना चाहता था तो अभी साथ में आ गए तो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप खड़े रहना चाहते हैं, ठीक है तो हम खड़े रहेंगे। All right, so firstly a very warm welcome to both of you to Reliance Digital Store one more time. Thank and you. Before we move forward talking to you, I'd like to tell all of you that Reliance Digital Store is a leading store in India in electronics retailers. We have in more than 600 cities 2000 plus stores, and we focus on technological affordability and accessibility, and we know that you guys are coming back to the store, so how do you feel being here? मैं आई थिंक दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम कमिंग बैक टू रिलायंस, पिछली दो बार भी आई हूँ, और बहुत टेम्पटेशन होती है कि क्या क्या यहाँ से लेके जाए घर, और आई मीन आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको टीवी चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ साउंड सिस्टम चाहिए, माउस, कीबोर्ड्स, फुल HD, हाफ HD नहीं है, फुल HD, सो या यू गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। पहले तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सायरन बजे जा रहे जब से हम लोग आए, कोई वहां पे खड़ा हुआ है जो हट नहीं रहा, इसलिए वो आवाज आए जा रही बार बार। क्या बात है, थैंक यू। नो इट फील्स रियली गुड टू बी बैक। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक मुंबई यू हार्डली हैव टाइम टू गो आउट एंड शॉप, बट टू हैव अ प्लेस लाइक दिस दैट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग पॉसिबली वेयर टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, यू ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर, एंड आई हैव बीन हियर टू शॉप ऑल्सो माई सेल्फ, सो यस इट्स वेरी वेरी नाइस, वेदर इट्स televisions, whether it's sound systems, whether it's accessories for your telephone which becomes a must, portable charger sab dhoondte rehte na, baki sab ke charger dhoondte rehte, to yahan se aaj sab portable charger khareed ke leke ja sakte, but no it feels really nice to be here. Thank you, and we are glad that you're back here. We wanted to know that everybody is so much into technology, so what is that, how important is technology for both of you, and how do you keep yourself abreast with the latest technological trends? Technology nahi hongi to hum sab bhai log ki problem ho jayegi na, तो टेक्नोलॉजी हम सब के लिए इसलिए भी जरूरी ताकि इन सब से कनेक्ट कर सके और फिर और लोग से कनेक्ट कर सके। सो टुडे दे टेकिंग पिक्चर्स, टुडे दे शूटिंग अस, इवन द क्वेश्चंस दैट दे आस्क दे रिकॉर्ड, वेदर इट्स योर सेल फोन, वेदर इट्स अ रिकॉर्डर, एवरीथिंग नीड्स टेक्नोलॉजी इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, आई थिंक वी आर नो एक्सेप्शंस, बट एज एक्टर्स जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना बेहतर काम, उतने अच्छे फोटोज। बिल्कुल, इनफैक्ट इनके कैमरा देखिए क्या हाईटेक, हटके है। पहले डाकुओं के पास बंदूक होती थी, अभी इधर फोटोग्राफर के पास जो ऐसे लंबी लेंस के साथ होती है ना, और मतलब लेंस भी एकदम स्टाइलिश ऐसे निकालते हैं, फिर चेंज करते हैं, है ना रुक रे, वो शर्मा भी रेन को पता है। तो टेक्नोलॉजी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक हम सब अग्री करेंगे, एंड पर आई थिंक ये टेक्नोलॉजी को लाइफ में एक बैलेंस तरीके से यूज़ करना चाहिए। किसी भी चीज़, किसी भी डिवाइस के साथ ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक, तो
मॉडरेशन में यू शुड यूज टेक्नोलॉजी, यू शुड नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद इट. राइट. एंड इफ आई हैव टू आस्क अबाउट द मूवी दैट यू ऑल आर हियर फॉर, हाउ एक्साइटेड आर यू ऑल? इट्स रिलीज्ड टुडे एंड यू ऑल आर हियर टू मीट द प्रेस एंड एवरीवन अराउंड. हाउ एक्साइटेड आर यू? Very, very excited. The response has been so good. It's been so amazing. We've been promoting for the last 20 odd days. So you kind of, today's the first day where you get to breathe and you kind of simmer down. You don't have to wake up early in the morning and go to a city or do an event immediately. So it's nice to soak it all in. बहुत अच्छा response मिलने के साथ साथ ये भी अच्छी बात है कि finally जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी वो अब लोगों के सामने है. तो you feel, कल मैंने किसी को कहा, ऐसा लगा कि अब बेटी हमने आपके हाथ कर दिया, अब आप संभाल लेना. यू नो इट फील्स लाइक दैट, यू लिटरली लेट गो, इट्स लाइक दैट. कल किसी से बात कर रहा था और मैं बहुत फिल्मी हो गया. मैंने बोला हाँ, अब ऐसा लगता है कि शादी की रस्म पूरी हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी. इट रियली फील्स नाइस टू लेट गो ऑफ अ फिल्म इन द नाइसेस्ट वे व्हेन द ऑडियंस इज एंजॉयिंग इट एंड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री व्हेन यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स. दैट्स द बेस्ट पार्ट. या आई मीन, हमारी फिल्म किसने देखी है? किसने देखी है? किसने? हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप. अरे शर्माओ मत यार, शर्मा. A lot of them, a lot of them. Okay, okay. अच्छा बाकी सब जाके देखो. हाँ ओके. संडे फ्री, थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा. संडे इवेंट आ गया तो वीकेंड, वीकेंड. संडे को कैमरा बैग में रख के फिल्म देखने जाएंगे. पक्का? प्रॉमिस? ओके थैंक यू. हाफ टिकट नहीं, फुल टिकट. So Arjun, this is your second venture with Chetan Bhagat in his, on his second book. How has the experience been this time? Really? मुझे पता ही नहीं था. I think ये सवाल का जवाब हम बहुत बार दे चुके हैं, but it always feels good when you get good material to work out of as an actor. I'm very, very happy and delighted about the fact that it's a book that's been loved by so many people, and now we get to put it out on the big screen for many more people. So I think all the effort is to do justice to the material as well as create your own imagination and visualization of it. So I'm really, really happy that I've got another chance to do a film after two states as half girlfriend. So very, very happy about that. Right. And Shraddha, this is your second venture with the director. Third one. Great. So how is it? Teesri baar ho gaya hai ye. Lekin this is the first time that you're working on an adaptation of a novel, yeah, of a book. So how different has it been for you? It's आई थिंक एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इन द सेंस कि बिकॉज द राइटर ऑफ द बुक इज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द फिल्म. तो एंड ऑफकोर्स जो कैरेक्टर्स है किताब में तो उनके भी बिकॉज इट्स अ बुक दैट्स बिन रेड. तो आई जस्ट होप दैट ऑल ऑफ चेतन्स फैंस, आई होप दैट दे आर नॉट डिसअपॉइंटेड विथ यू नो माई रेंडिशन ऑफ रिया. या I think with that, I'm going to open the floor for the questions from the media, our friends here. So if you have any questions, please feel free to ask them. We have a mic. What? नहीं जिनको सुमित सर आप कुछ पूछना चाहेंगे या कोई और है जो पूछना चाहेंगे? चलिए. हाय. चलो नहीं आप तो पूछना, ये तो बनता है. हाय. क्योंकि हमने देखा कि बाहुबली जैसी सक्सेस फिल्म के बाद आप लोगों की फिल्म लगी है और बहुत ही अच्छा कर रही है. हमने देखा कि हमने रिव्यू किया, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है. थैंक यू. क्या जब इस तरह से फिल्म सक्सेस होती है, लोगों को पसंद आती है, तो क्या थॉट आता है, क्या टेक होता है आप लोगों का? आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि एक सक्सेस फिल्म के बाद एक और सक्सेसफुल फिल्म, यानी कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑडियंस पिक्चर देखना चाहती है. इट्स नॉट कि एक ही बार देखती है, एक ही फिल्म देखती है और फिर यू नो घर से बाहर नहीं निकलती. पीपल लाइक टू बी एंटरटेन. समर हॉलीडेज हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, अभी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी छुट्टियां शुरू हो जाती है. गर्मी इतनी है, लोग जाके कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग इंडोर ही करना चाहते हैं. सो वी आर प्रोवाइडर्स ऑफ दैट एंटरटेनमेंट. तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे अप्रूव एंड से वी आर वेरी हैप्पी टू गो एंड सी योर फिल्म. और उसके बाद जो अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आई फील अ फिल्म डूइंग वेल. हम लोग सब कहीं ना कहीं ये चर्चा थी कि उस वजह से कोई दूसरी फिल्म को हार्म ना हो, पर मुझे तो लगता है उससे पॉजिटिव ये हुआ है कि लोग थिएटर आना चाहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ हार्मिंग, आई थिंक सक्सेस हैज बेनिफिटेड आवर फिल्म टू आल्सो गेट कंज्यूम बाय मोर पीपल. श्रद्धा जी सो स्वीट. या थैंक यू. श्रद्धा काफ़ी है. थैंक यू. पर आई थिंक कि जब लोग टिकट खरीद के आपकी फिल्म देखने जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है. और एक्चुअली मेरे डैड अभी दिल्ली में हैं और उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी. और क्योंकि उनका एक
पता नहीं एक वहम है कि जो भी फिल्म वो दिल्ली में देखते हैं वो लोगों को पसंद आती है, और मतलब एक ऐसा वहम है पता नहीं, पर तो उन्होंने फिल्म देखी और उनको बहुत पसंद आई. एंड बहुत अच्छा लगता है जब आपके आपकी फैमिली को आपका काम आपकी फिल्म अच्छी लगती है. एंड या आई थिंक कि अगर हम इफ़ वी कैन क्रिएट कि लोग टिकट लेके सिनेमा में जाए, तो आई थिंक कि दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग. या तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, बट टुडे इज़ द फर्स्ट डे. एंड या थैंक यू फॉर द लव. Especially because of the digital age, आजकल क्या हो गया, people rather wait and go or see it on the phone, see it on TV. तो अगर पहले दिन इतने सारे लोग आ रहे इकट्ठा होकर, that's a very, very, very good sign. So thank you to everybody who's come out to support the film, to enjoy the film, and to all the people that are going to go today, continue watching it. A big thank you from us. कुछ डैडी के साथ मतलब बातें हुई क्या? मेरी ज्यादा बात हुई मुझे लगता है, उन्होंने मुझे भी फोन कर दिया. नहीं, उन्होंने मुझे फोन बहुत, वो इतने एक्साइटेड हो गए, इतने खुश थे फिल्म देख के कि उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ बहुत धमाकेदार खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत हेल्दी खाते हैं ना. तो उन्होंने बोला मैं जो खाने वाला हूँ ना आज सेलिब्रेट करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा. एंड उन्होंने अर्जुन का नंबर भी लिया मुझसे और बोला कि आई रियली हैव टू स्पीक टू अर्जुन, एंड ही लव्ड हिम इन द मूवी ऑल्सो. तो अच्छा अच्छा फीलिंग है. अर्जुन आप भी कुछ बोलने वाले थे? तू इंटरव्यू कर रहा है कि सवाल पूछ रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा था, उनका फ़ोन आया आज सुबह सुबह जब उन्होंने फिल्म देखी, और मुझे वही बता रहे थे कि श्रद्धा की फिल्म उन्होंने जब भी दिल्ली में देखी है तो हमेशा वो चली है, लोगों को पसंद आई है. बट द गुड पार्ट वॉज एज अ पेरेंट ऑफकोर्स ही वॉज एक्साइटेड, बट बतौर एक्टर जब इतने दिग्गज कलाकार आपकी तारीफ करते हैं और खुले दिल से करते हैं, तो एज एन एक्टर यू फील वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट मैन हैज़, एंड टू बी एबल टू से ही लव्ड माई परफॉर्मेंस, ही लव्ड द फिल्म. तो यू ऑलवेज फील स्पेशल एज एन एक्टर वेन यू रिसीव प्रेज फ्रॉम अ फेलो एक्टर. वो हमेशा चीज़ बहुत मायने रखती है. डजेंट मैटर वेन दैट प्रेज कम्स. लोग होते हैं ना, छः महीने बाद भी कोई कलाकार पिक्चर देख ले और आपको बोले ना, यू फील वेरी वेरी नाइस वेन पीपल फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी लाइक यू फॉर द वर्क दैट यू डूइंग. हेलो श्रद्धा. हेलो. हेलो मैम, आपका फोन खड़ा है. तभी मैं खड़ी हूँ. अच्छा, आप लाइव कर रही है. अच्छा जी, सॉरी. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज की सुबह कैसी थी आपकी? नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट थी? कैसी थी आज की सुबह आपकी? आप दोनों की सुबह आज कैसी थी? ये एक्चुअली पहली बार है ना कि समवन्स आस्किंग दिस क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग. ऑनेस्टली, बिकॉज़ आई डोंट थिंक फ्राइडे के दिन हम लोग ज्यादा बातें करते हैं ना. फ्राइडे के दिन ज्यादा एक्टर्स बाहर आके इंटरव्यूज नहीं करते. एक्चुअली दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. यू वेरी नाइस क्वेश्चन. तो मैं एक्चुअली आपको कल रात से बताती हूँ. कल रात को स्क्रीनिंग थी और उसके बाद घर पहुंची, और क्योंकि प्रमोशंस चल रहे थे तो कल रात को पता चला कि यार थोड़ा मतलब अभी सोना है, थोड़ा वक्त मिला है, क्योंकि आज सुबह कुछ था नहीं, प्रमोशन था नहीं. तो फिर उठ के मॉम और भैया के साथ ब्रेकफास्ट किया और साथ में खाए, हम डोसा खाया, बहुत अच्छा बनाया था. और नहीं, बहुत मतलब बहुत टेक्निकल हो गई अपने दिन के. और आई मीन और नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर का खाना खाने का मौका नहीं मिला, प्रमोशन में बिजी थे. तो अच्छी सुबह रही है और बहुत अच्छा लगा. शाइलो भी था मेरा डॉगी, तो सब साथ में थे तो अच्छा लगा. मेरी सुबह नहीं हुई, मैं दोपहर को ही जा रहा हूँ. और आप लोगों ने बिहार में शूटिंग की, बिहार के बारे में बहुत प्री कंसीव नोशंस है, आप लोगों को पर्सनली बिहार कैसा लगा? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हमने फिल्म के जरिए वही तोड़ने की कोशिश की है जो वहाँ की प्री कंसीव नोशंस है. वी ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक श्योर कि लोग नए तरीके से नहीं पर असली तरीके से देखें, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी फिल्मों में हम देखते हैं कि गैंगस्टर, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स बिहार से हेल करते हैं. कभी भी आपने ये नहीं देखा कि जो मेन लीड होता है रोमांटिक पिक्चर का, वो एक गाँव से आता है जो बिहार से है. सो वी वॉन्टेड टू मेक श्योर वी डू जस्टिस. सो मोर देन अस जस्ट शूटिंग देयर, जरूरी था कि वहाँ से बाहर निकल के भी when you go out and shoot the film everywhere else, the characters should speak and behave the same way. Par wahan pe jo gol chakkar hai wo to sabhi jante hain. Main jab promotion pe bhi gaya to mujhe yaad hai ki main hotel se bahar nahi nikal paya tha. Main kuch saal pehle gaya tha, to wahan se jo pyar milta hai un logon se to waise hi bahut acha lagta hai. Whether you shoot in UP, Bihar, across India, I think Bombay, the good part is people are used to shooting, so they give us that space where they know they meet us all the time. When you go to these places, for them it is so nice that they will wait for even 2 to 3 hours just to catch a glimpse while we are working. Yeah. And they respect the fact that you can't take pictures there, okay, they just want a wave. Yeah. Which is so, I mean, that's the simplicity of your audience liking you. Exactly. Is a wave. Exactly. And you know, when I started out as an actor, I know main thoda meander kar raha hu, hum gunde ki shooting kar rahe the kolkata ke koile ke khadanon mein aage chal ke 3 ghante door.
तो मेरी इशकजादे ही लगी थी उस वक्त, तो कहीं ना कहीं लोग रिएक्ट कर रहे थे, रणवीर, मैं, प्रियंका, हम सब, इरफान सर, सब शूटिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरी एक फिल्म लगी थी, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि यार इतना रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, कि मतलब यू नो मे बी देव सीन समथिंग ऑफ द अदर, बट देन माई स्टाफ टोल्ड मी नो नो रेज योर हैंड्स, देव बीन वेटिंग टू सी यू, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वेर आई एवर डिड दिस टू वेव, एंड आई स्वेयर टू यू इट इज सच एन ओवरवेलमिंग इमोशन when people just wave back and they smile and they cheer for you. Yeah. That is because you might never be able to meet all of them and shake hands or take selfies, but just a wave for them or a smile towards them while you're working for them is the purest form of connecting with your fans, and it is special when we shoot across the world, but definitely in the heartland when we go, they're very, very simple. They're so passionate about their feel for you. They call you with their character with your character names, you know, to be called Parma, to be called Bala, you know, these are things that I can't quantify and explain to you kaisa lagta hai, because usi ke liye to aadmi kaam karta hai, ki ek identity bane aisi jahan pe log aapko aapke kirdaron se jaane, to bahut acha lagta hai, matlab it's special across the country to shoot. Kya baat hai sir. So Arjun Shraddha, tune bola kya baat hai. So good thing na, what happened? I'm scared now. Acha dik you're visiting a Reliance store, it's all about gadgets and technology. No, maine kuch bola hi nahi, to kyun over justify kar raha hai? To give me that tough look and all. Par maine kuch nahi, main to dekha teri taraf. Still, to visiting a Reliance. Kya baat hai, poochiye. Can I? Kyun dar kyun raha yaar? Dar lag raha hai aapse. Chal pooch. So it's like Reliance store. Bahut dino baad dikha waise tu, kaha tha itne dino. Ha? Tadi par. Kya bola? Kya bola? Manoj ki chup raha. The mic closer to you. Achha, theek hai. Haan, poochna hai, mazak kar raha hu. Achha, so Reliance Digital is all about gadgets and technology. Ji 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 ji. So are you personally a gadget freak or something? My sister makes fun of me. I'm not quite the gadget freak that people assume that any youngster is. Actually, my sister is the reason I understand most of the gadgets, because I leave it to her. She's a very big tech geek. She's aware of everything new, every app to download, anything possible that my house needs or I need. I have to call her up and ask her, because main itna lost rehta hu kaam ke chakkar mein that I'm not able to actually get so involved in making sure things are okay. To mere TV ke HD connection se leke mere iPhone ko change karne se leke choti choti cheeze, whatever it is, she is the one who actually helps me out. Jaise main travel karta hu, I love to watch football, but sometimes you don't get the perfect channels on every television that you're there. तो शी इज द ओनली रीजन, वरना मैं पागल हो जाता अगर वो नहीं होती ना. मेरे वैन के अंदर भी उन्होंने पूरी जो टेक्नोलॉजी सेट की है, इट्स ऑल हर. सो या आई शी शुड बी कमिंग हियर मोर ऑफन देन मी. योर टर्न श्रद्धा. व्हाट आर यू अ गैजेट फ्रीक पर्सनली? एम आई अ गैजेट फ्रीक? व्हिच इज योर फेवरेट गैजेट? फ्रीक तो नहीं हूं, पर आई मीन कभी कभी मतलब फोन को मैं बहुत दूर भी रख देती हूँ. अच्छा, वो ब्रेक मिलता है फोन से. So I don't think I'm a tech freak. I'm not a tech freak. What's your favorite gadget? Mac Pro. Computer. Mac. हाँ पूछो. Honest question for an honest answer. Honest question for an honest answer. Yeah. Okay. I need an honest. What is the real motive visiting Reliance Digital today? What is the real motive? मतलब तुम पुलिस ऑफिसर की तरह जो सवाल कर रहे हो, हमें सच बताइए. आपका यहाँ आने का मुद्दा क्या है? CID आई है चेक करने. यार मुद्दा ये है, हमारी एक फिल्म आ रही है या आ चुकी है, जो आज रिलीज हो चुकी है. तो ऑनेस्ट आंसर ये है कि रिलायंस डिजिटल का सपोर्ट रहा हमारी फिल्म के साथ. सो व्हेन समबडी सपोर्ट्स यू फॉर समथिंग गुड, यू मस्ट कम एंड सपोर्ट देम व्हेन दे नीड एंड दे वांट टू डू समथिंग गुड. दैट इज द ऑनेस्ट आंसर. पर तू था किधर इतने दिन से? दैट वुड बी last two questions from Arjun, one second ji 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 sir, hi, how are you? Arjun, hi. Just a second. Hi. I'll give the mic to you. Hello. हाई अर्जुन, जानना चाहूँगा कि ऐसी दो फिल्में आ चुकी हैं जिसमें दो किताबों पे बन चुके हैं, टू स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड. श्रद्धा आपके लिए पहली फिल्म है, आप बायोपिक में काम करने वाली साइना नेहवाल की, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी कौन सी किताब है जिस पे फिल्म बने और जिसमें आप दोनों स्टार करें, अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो आप बताएं. ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश हो जाएगी कि एक बुक भी चुने जिसमें हम दोनों ही करें. थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ. थोड़े टाइम में बताती हूँ. नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ, बहुत सारी अच्छे बुक्स है, कैसे चूज करें?
हाँ मतलब थोड़ा मुश्किल है एक, but I would definitely like to answer it next time. I will honestly remember this. अभी सोच में लगा अभी genuinely दिमाग में नहीं आ रहा. One particular book that I would, because I'm not a reader also. मैं पिक्चरें ज़्यादा देखता हूँ, so that's why. Can we pass the mic towards the side? Who's it by? Who's it by? It's on. That will be last. Okay. Behind bars, it's called. चलो, I shall try and read it for sure. But yeah, you guys should suggest if there's something. Honestly, if anybody reads it, we would love to get material out there from people also. अभी सोच में पड़ गई. हाँ. पूरी तरह से. Next time, hopefully आपको. उधर hurdles की race चल रही देखो. Yeah. Please. You've already asked a question. श्रद्धा. अच्छी बात है. ओके, यू हैड अ क्वेश्चन फॉर द मूवी 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 क्वेश्चंस. या प्लीज श्रद्धा, इस चेयर पे बैठ जा. आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. आई मीन आप सबने सवाल नहीं सुना ना, क्या पूछा उन्होंने? सुना नहीं? वो बोल रहे हैं आप. उन्होंने पूछा कि आप इतनी अच्छी तरह कैसे हमें हर बार हर परफॉर्मेंस के साथ इमोशनल कर देते हो या रुला देती हूँ बेसिकली. पर आई होप ये अच्छी बात है एंड आई होप थैंक यू. लेकिन आई थिंक मोहित सूरी इज द रीज़न बिहाइंड दिस. वो जिस तरह से हमें समझाते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं, तो उन्हीं की वजह से आपको जो महसूस होता है वो उन्हीं की वजह से है. तो या श्रद्धा, आप सब मस्त इधर बैठ के वेट कर रहे हो, हम इधर सेंटर दुख देंगे. एक फोटोग्राफर देखो वहां से मस्त खींचे जा रही है फोटो, माइंड में उसको सब लुक मिल रही है उस तरह. उसको अंदर नहीं आने दिया क्यों? चलो हाँ, नहीं क्यों वो लेट आई? हाँ उसको भी तड़ी पार कर दिया. सो मीन गाइज, व्हाई इज शी आउटसाइड? अच्छा वो अलग से. अच्छा मीडिया के नहीं है, ठीक है. अच्छा ओके. श्रद्धा, जो आपकी अपकमिंग जो फिल्में, जो आपकी अपकमिंग फिल्में आने वाली हसीना या जो बायोपिक है, तो आप चाहेंगे कि उसमें भी बारिश के सीन हो, बारिश के गाने आए? आप चाहेंगे क्योंकि हिट होते हैं. I think मुझे लगता है, मुझे लगता है श्रद्धा चाहती है उनके घर पे गीजर नहीं बारिश का ही वो सेटअप हो. बट आई थिंक श्रद्धा, अर्जुन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. यू जस्ट लास्ट वन हियर. इन्होंने बहुत सीरियसली पूछा है कि मैं चाहूँगी क्या उसमें बारिश हो या ना हो. अगर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है तो आई डोंट माइंड. किसको सुने? थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा सबसे फेवरेट सीन एज एन एक्टर परफॉर्म करते वक्त आई वुड हैव टू से दो तीन सीन्स है. द वन वेयर आई कम टू श्रद्धाज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिना ज़्यादा कहानी दिए, जब मैं पहली बार रिया के घर आता हूँ और एक लाइन है जहाँ पे मैं पहली बार एहसास करता हूँ कि मेरा दर्जा क्या है और उसका दर्जा क्या है. तो वो पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ? तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं यहाँ पे बहुत बेढंगा महसूस कर रहा हूँ. अब बेढंगा ऐसा शब्द है ना, खुद आप बोलो ना तो खुद घिन आती है. वो बेढंगा महसूस करना मतलब इट इज़ इमेजिन इन सोसाइटी टू फील आउट ऑफ प्लेस. मतलब कभी ना कभी हम सब ने एक सिचुएशन में महसूस किया यार काश मैं इधर नहीं होता, बिकॉज आई डोंट फिट इन. तो फॉर मी दैट सीन आई गॉट अफेक्टेड वाइल डूइंग दैट सीन, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट सीन्स, बिकॉज इट्स अबाउट इमोटिंग विद योर आईज, शोइंग दैट नहीं आई एम ओके, आई एम फाइन यार. बट नहीं, वो क्या है ना, आपकी अम्मा ने हिंदी में बात किया तो एक अपनापन सा लगा, ऐसा लगा सूखे में बारिश पड़ गया हो. तो ही इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन, बट यू कैन टेल दैट ही इज एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन. सो दैट एंड ऑफकोर्स वेर आई फाइट विद माई फ्रेंड, जो मैं रस्ते पर लड़ता हूँ न्यूयॉर्क के, वो सीन, ऐसा सीन मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है बतौर एक्टर. बहुत बार उम्मीद की है कि ऐसा इमोशनल ड्रामेटिक सीन मिला जहाँ पे यू आर एबल टू स्क्रीम एंड वेंट, बिकॉज पूरी पिक्चर में क्या, मैं सहले से मार खाता हूँ, डांट खाता हूँ. जो मेरा दोस्त है, ही इज़ द वन पर्सन हु कीप्स गिविंग इट टू मी एज द ऑडियंस वुड, कि तू पागल है क्या, ये क्या होता है, आधा पौना डेढ़ चौथा हाफ मैंने कहा. तो वो पहला सीन है जहाँ पे आई गेट टू गिव इट बैक टू हिम एंड से, अच्छा तुम्हारा प्यार प्यार हमारा प्यार, मतलब वो बोल नहीं सकता यहाँ पे,
पर वो हमारा प्यार का कुछ नहीं. हाँ बीप. तो वो सीन जब मैं करने वाला था ना, वो मैंने मोहित को बोला यार ये सीन मैंने पढ़ा बहुत बार, मैंने सोचा बहुत बार, बट आई वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक और टू बिफोर आई डू द सीन. तो सुबह सुबह आई हैड टू टकीला शॉट्स, सो आई कुड फील दैट कैरेक्टर, बिकॉज फॉर मी आई वॉन्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू दैट सीन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू सीन्स लाइक दैट विदाउट लूजिंग योर माइंड. यू आई एम कन्फेसिंग आई एक्चुअली डिड हैव टू शॉट्स अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ टकीला. And I was empty stomach the whole day while I was doing that scene because I wanted to feel that madness. So those two shots of tequila, the reason I could give those shots, and I hope you guys like it. Thank you. I think with that we'll close the question. But Arjun and Shraddha, please stay on stage. I'll take the mics. Can I say? Okay. Of course. Sumit ji. जी टेक्निकली हाँ लास्ट इवेंट जी जी हाँ दैट्स नॉट अ बैड आइडिया सर. आई अग्री. ताली हो जाए इस बात पे श्रद्धा. टू एंड ऑन अ वेरी नाइस नोट श्रद्धा के सुरीली आवाज के साथ. चलिए पर सब साइलेंस हो जाएंगे तो फिर और भी मजा आ जाएगा अपने को. चलिए स्टिल फिर भी तुमको चाहूंगी चलेगा. सी वी वॉन्ट यू टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर इन थिएटर. ओके गाइस तो ये गाना आप सबको डेडिकेट करना चाहूंगी. आप सबको थैंक यू वेरी मच. आप सबको जो पीछे थोड़ा सा मुझे भी डेडिकेट कीजिए ना. आपको इतना फिल्म में किया ना, क्योंकि हमारा आज इनके लिए थोड़ा सा हमारा तो एक ही सपना है कि श्रद्धा कपूर हमारे लिए गाना गाए. ओके